नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करते हैं गुरु कृपा कंपटीशन चैनल में। दोस्तों, रेट शिक्षक भर्ती में एक नया मोड़ आया है, जो कई बेरोजगार ये चाह रहे हैं कि अब हमारी जल्द ही सरकारी नौकरी लगेगी, उसमें हाईकोर्ट ने अब बड़ा फैसला दिया है। जाने क्या है ये, आप देख सकते हो कि अदालत ने एडिशनल इंग्लिश को अमान्य ठहराया है। उनका मानना है कि 3 साल के कोर्स को 1 साल में करना गलत है। अब 3 साल कोर्स में होता क्या है और 1 साल के कोर्स में क्या होता है, शायद ये न्यायालय को नहीं पता, क्योंकि एडिशनल का 1 साल का कोर्स भी वही है जो 3 साल का है। बस फर्क इतना ही है कि 3 साल के कोर्स के पेपर 3 साल में होते हैं और साथ में दूसरी कंपलसरी एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट के पेपर होते हैं। वे एडिशनल यानी 1 साल के कोर्स में एक ही सब्जेक्ट होता है, जो कि 3 साल के पेपर 1 साल में साथ करना होता है। अब सवाल यह है कि जब कोर्स एक है, पेपर का तरीका एक है, तो एडिशनल का कोर्स अमान्य कैसे हो सकता है, जब ये कोर्स भी वह सारी योग्यताएँ पूरी करता है जो 3 साल के कोर्स में होती है। और सबसे बड़ी बात कि कोर्स सरकार या यूनिवर्सिटी के द्वारा करवाया जाता है, जो फिर अमान्य कैसे, अगर ऐसा था तो इस तरह के कोर्स निकले क्यों गए। तो दोस्तों, इस प्रकार जो कोर्ट ने फैसला दिया, आप देख सकते हो, अंग्रेजी से बी एडिशनल करने वाले तृतीय श्रेणी शिक्षक बनने के योग्य नहीं, हाईकोर्ट की खंडपीठ का निर्णय है। जयपुर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि अंग्रेजी से बी एडिशनल करने वाले अभ्यर्थी तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती बनने के योग्य नहीं है। तो दोस्तों, बहुत बड़ा फैसला आया है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने 31 जुलाई 2018 को विज्ञप्ति जारी कर तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल में द्वितीय अंग्रेजी विषय की भर्ती के लिए आवेदन मांगे थे, उनके लिए अंग्रेजी के स्नातक साथ में बीएड व रीट में 60% अंक सहित अन्य योग्यता निर्धारित की गई थी। मामले में अधिवक्ता जो थे, उनकी दोनों को फैसला सुनाने के बाद जो भर्ती 2016 एवं 2018 के लगभग 3,000 अभ्यर्थी सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं। इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति कोर्ट के अंतरिम आदेश पर होनी थी। और इसके साथ ये आप देख सकते हो, राजस्थान हाई कोर्ट में सुनवाई, अतिरिक्त योग्यता प्रमाण पत्र शून्य, नौकरी लेबा वाला बाहर जासी। राजस्थान हाई कोर्ट में ये जो आप देख सकते हो, इसमें पूरी खबर, बीएड के 1.5 लाख विद्यार्थी परेशानी में, इंटर्नशिप अटकी, भर्तियों से बाहर होंगे। तो दोस्तों, कोरोना वायरस में ये और बड़ी अपडेट आई है। तो आप देख सकते हो कि आज सरकार ने जो हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, अब इस रीट विज्ञप्ति पर भी बहुत बड़ा भारी पड़ेगा। जो कई अभ्यर्थी जो अलग अलग सब्जेक्ट से एडिशनल कर रहे थे, उनके लिए बहुत बड़ी, अब चलते हैं आगे क्या होगा, हाईकोर्ट की अगली बेंच क्या फैसला देगी। हम आपको, आप अपनी तैयारी जारी रखें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। होली की बहुत बहुत सभी को शुभकामनाएँ, और आशा करते हैं कि अगली होली में आप गवर्नमेंट नौकरी लेकर होली का त्यौहार का आनंद मनाएं। जय हिंद।